मेरा नाम सुरेखा कमलाकर राजे, उम्र 72 साल की। मैं 2 साल पहले यहाँ आनंद आश्रम में इधर रहती हूँ। मेरा जन्म कराची में हुआ। 47 में हम लोग यहाँ आए। 18 साल में मेरा शादी हो गया। आदमी बहुत पीता खाता था, बहुत छान छोप करके मेरा सब नुकसान कर दिया। बाद में मेरे को 2 बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, फिर उनको जो जोड़ीदार मिल गया वो अच्छा नहीं मिलने की वजह से मेरे को किसके भी घर में जाने का नहीं, रहने के लिए। मेरा बहू जो है वो पहले मेरे साथ 3 साल रही, बाद में 3 साल का लड़का होने के बाद में वो अलग चली गई। तो वो लड़का मेरे को मिलने को कभी कभी आता था, लेकिन उसने मेरे को 12 साल में एक दिन भी मिलने को नहीं आई, कि मेरे को एक दिन भी घर में भी लेके नहीं गई। एक दिन मेरा जगह का मालिक ने केस किया कि हमको जगह मांगता है। 43 साल से हम लोग उधर रहते थे, उसने क्या किया मेरे ऊपर केस डाला। वही साल में 2000 में मेरा आदमी एक्सपायर हो गया, और वो 10 साल मैंने किधर किधर सर्विस करके केस में चलाती थी। एक दिन उसने पैसा वीसा दबा दिया सबको, और उनका बाजू से केस हो गया। मेरे को घर नहीं है, मैं किधर जाएगी। मेरा लड़का का ट्रांसफर हो गया नाला चोपारा में, तब मैं उसके साथ उसके घर में रहने लगी। अच्छा चलता था हमारा, 2 साल बहुत मजे में गया। बाद में उसको पीना चालू किया, कभी मेरे को एक उल्टा शब्द नहीं बोलने वाला लड़का मेरे को कुछ कुछ बोलने लगा। ये सब देख के मेरा मन बहुत दुखी हुआ। फिर भी मैं माँ है, इसलिए मैं बोला नहीं, उसको बहुत दुख हुआ, ये मेरे वजह से सब हुआ है, मैं कुछ उनके लिए कर नहीं सकी। ये सब हमारा बाजू वाला ब्लॉक ने औरत ने देखा सब, और वो बोली आंटी एक इधर अच्छा वृद्धाश्रम है, इसलिए उसने मेरे को लाया। और मनीषा कोटक ने 1 मिनट में इधर मेरे को बिना पूछे कुछ करते हुए मेरे को आश्रय दिया। और वो बहुत औरत अच्छी है, वो पैसा भी नहीं लेती है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेल्पेज वाला फिजियोथेरेपी हमारे पास आता है, फिजियोथेरेपी से मेरी सब जो बदन दुखता था, हड्डी दुखती थी, वो मेरे को आराम है। हम लोगों के इधर पैरालिसिस अटैक आया है, ऐसे 3-4 लोग फिजियोथेरेपी से अच्छा हो गए। और हेल्पेज हम लोगों को इतना दवाई देते हैं, सब बीपी से लेके सब हम लोगों को दवा पानी देता है, सेकंड सैटरडे में आता है। ये हम लोग तो बहुत धन्यवाद करते हैं हेल्पेज को, मनीषा मैडम। और मेरे को क्या मांगता है, मैं बहुत खुश हूँ।